मॉड्यूल सेवेंटी नाइन इन डायरेक्ट असैसमेंट सो वैन वी टॉक अबाउट द इन डायरेक्ट असेसमेंट वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू एंड द बेस लाइन चार्ट सो वन वी कंडक्ट द इंटरव्यू विद द चाइल्ड और द चाइल्ड मदर तो हम इसमें फोकस करेंगे कि हमें ये पता चले कि बच्चे की जो अर्ली लाइफ हिस्ट्री है वो कैसी है मिसाल के तौर पर उसके मदर की प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कैसा था उसकी डिलीवरी का टाइम पीरियड कैसा था उस दौरान या उसके बाद उसके मदर ने किसी किस्म का स्ट्रेस जो है वो तो फोकस वो तो आ, नहीं हुआ उनको इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि मदर के अंदर कोई डिप्रेशन की या एनजाइटी की हिस्ट्री तो नहीं है या फैमिली के अंदर किसी किस्म की साइकेट्री हिस्ट्री तो नहीं है जैसा फ़ादर के अंदर तो कोई इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर नहीं है फॉर एग्जांपल कोई कंडक्ट डिसऑर्डर ना हो कोई मेनिया ना हो इस किस्म की जो हिस्ट्री है वी नीड टू बी टेक दैट आल्सो इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि जो बच्चे की डिवलपमेंटल uh, स्टेज़स uh, थी वो उसने अपने अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर जो है वो अचीव कर ली या नहीं की और uh, ये भी हमने देखना है कि जो उसके सिबलिंग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स uh, के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसा है और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि पेरेंट्स का मैरिटल रिलेशनशिप कैसा है वो देखना क्यों ज़रूरी है क्योंकि अगर घर का फैमिली इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा हॉस्टाइल होगा तो इट मोर लाइकली कि जो बच्चा है उसके अंदर आर डिफरेंट किस्म के जो आर डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू तो लिविंग इन द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट तो ये चीज़ जो है घर का ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है एक्सटेंडेड फैमिलीज अगर साथ रहती हैं तो उनका आ, किसी चीज़ के अंदर कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस है वी नीड टू बी फाइंड आउट दैट टू इसके साथ साथ हम बेस चार्ट लेंगे बेसलाइन चार्ट जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इसमें एबीसी जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं ए इज द एंटीसिडेंट इवेंट बी इज द बिलीव सिस्टम और द बिहेवियर और द सी इज द कॉन्सिक्वेंसेस तो हम इसमें क्या करेंगे कि इन डायरेक्ट असेसमेंट के अंदर हम ये बेसलाइन चार्ट लेंगे अब हम जैसा बार-बार पैरोमनिया के अंदर जिक्र कर रहे हैं कि आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा जो है वो आ, इस सारी आ, एक्टिविटी के बाद क्या करता है रिलैक्स फील करता है ठीक है इसी तरह वो कुछ ऐसे थॉट्स उसके जहन में आते हैं जिनको वो रिजिस्ट नहीं कर पा रहा होता तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे असद है उसने कार्टून को वॉच किया और जब उसने कार्टून वॉच किया तो उसने ये देखा कि वहां पर जो करैक्टर है जो आ, कार्टून करैक्टर है वो कुछ बुशेस को लॉन के अंदर बर्न कर रहा है तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि चलो लेट्स डू इट एंड एंड देन वी विल सी हाउ मच टाइम इट विल टेक तो सेंस ऑफ क्रियोसिटी जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा थी और उसको वो रेजिस्ट करने की कोशिश करने के बावजूद रजिस्ट नहीं कर सका और उसने क्या किया कि वो गया और उसने अपने घर के जो नियर बाय पार्क है उसके अंदर जाके बुशेस को आग लगा दी और जब बुशेस को आग लगा दी तो उसके बाद उसको क्या फ़ील हुआ वो रिलैक्स हो गया उसको रिलैक्सेशन फ़ील हुई और ये काम उसने कितनी दफ़ा किया वन टाइम लेकिन आप इसके साथ साथ एक और चीज़ की फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं दैट इज़ द थाट फ्रिक्वेंसी यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि उसको ये वाला थाट कितनी दफ़ा आया फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव टाइम आया उसको टेन टाइम आया तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इससे आपको पता चलेगा कि उसको कितनी दफ़ा एफिटेटेड थाट आया जिसके बाद उसने जो है ये बिहेवियर जो है आ, वो एक्जिबिट किया ये जो थॉट की फ्रीक्वेंसी है ये आपको आगे जाके हेल्प करेगी उसके मैनेजमेंट प्लान बनाने में इसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जांपल uh, लें तो असद की जो सिस्टर uh, थी वो अपनी कुछ ओल्ड बुक्स और नोट बुक्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही थी तो असद के जहन में ये थॉट आया कि आई विल बर्न दीज फाइल्स अब जब उसके जहन में ये थॉट आया तो डेफिनेटली ये थॉट एक दफ़ा नहीं आया बल्कि मल्टीपल टाइम आया तो जब मल्टीपल टाइम आया तो वी नीड द फ्रिकुनसी तो आप बच्चे से ये भी कह सकते हो कि इस थॉट की कितनी दफ़ा ये थॉट आपके जहन में आया यू नीड टू बी रिपोर्ट दैट फ्रिक्वेंसी अब असद ने क्या किया कि उसने वो बुक्स उठाई नोटबुक्स उठाई बैकयार्ड में गया और उसने उनको बर्न कर दिया और जब उसने बर्न कर दिया तो उसके इमोशंस क्या थे हैप्पीनेस के ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करा था जब उसने उनको बर्न होते हुए देखा और ऐसा उसने फाइव टाइम किया तो इसका मतलब ये है कि फाइव टाइम करने का मतलब ये है कि उसने या तो नोटबुक्स को फाइव टाइम्स में बर्न किया या उसने फाइव डिफरेंट टाइम्स uh, पे उसने ये काम किया तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग दिस फाइव टाइम्स मीन वॉट तो इसलिए आपने उससे क्लियरली कहना है कि व्हेन द पर्सन इज़ रिपोर्टिंग द फ्रीक्वेंसी तो उसने ये बात बत, आपको क्लियरली बतानी है कि उसने इन्हीं नोट को या बुक्स को फाइव टाइम्स बर्न किया या उसने फाइव डिफरेंट टाइम्स के ऊपर uh, जो ओल्ड uh, बुक्स थी और नोटबुक्स थी उनको बर्न किया तो जब आप इनडायरेक्ट असेसमेंट इस तरह ले लेते हो तो ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इमोशंस हैं थॉट्स हैं बिहेवियर हैं ये आपको हेल्प करते हैं फॉर मेकिंग द मैनेजमेंट प्लान और एज वेल एज टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम थैंक यू